इस वक्त दिल्ली में हम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के एक अहम बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में इलेक्शन है, वहां पर कश्मीरी पंडित भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। ऐसा है कि पार्टी की बैठकें लगातार होती रहती हैं और निरंतर पार्टी अपने काम को 365 दिन करती है, उसी तरह ये एक बैठक है और बैठक तो पार्टी की हर रोज होती है, इसमें कोई नया नहीं है। सर, इस तरह की सुगबुगाहट है, घाटी में इलेक्शन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। ऐसे इलेक्शन अनाउंस करने का काम चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल कामों को और वहाँ पर राष्ट्र के लिए काम करना ये हमारा दायित्व है। तैयारी करना तो आपका काम है ना? नहीं, पार्टी तो हर समय तैयार है और हम तो प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं जिन्होंने घोषणा की है कि समय पर चुनाव होंगे और चुनाव आयोग वहाँ पर परिसमन हुआ है, वोटर लिस्टें बन रही हैं, अब उसके बाद वोटर लिस्टों पर इतराज मांगेंगे। सर, घाटी की जनता सीधे आपकी तरफ देख रही, पूरी रियासत की निगाहें आप लोगों की तरफ हैं कि कब आप लोग चुनाव की तैयारी का ऐलान करें। ऐसा है कि चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। बीजेपी उसके लिए कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसको तो हर समय चुनाव के लिए तैयार ही रहना चाहिए। सब महत्वपूर्ण ये है कि जो इस वक्त माहौल है घाटी के अंदर, क्या उस माहौल के बीच इलेक्शन संभव है? बहुत अच्छा माहौल है, शांति का माहौल है। हमने घाटी को टेररिज्म से टूरिज्म कैपिटल तक पहुंचाया है। आज घाटी के अंदर आपको खुद जाना हो तो इस सर्दी के मौसम में भी चिले कला में भी कमरा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, घाटी बहुत अच्छी चल रही है, पूरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की नई गाथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, एक विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया है, लोगों ने लाखों की तादाद में निकलकर वोटिंग की थी DDC चुनाव में, ये नरेंद्र मोदी जी के विकास विश्वास की जीत है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि अभी उन लोगों को जिस तरीके से DAP के बहुत सारे लोग छोड़ने गए हैं, वापस आ गए हम मजबूत हुए। ऐसे ये कल भी हमारे सामने खड़े थे, आज भी हमारे सामने खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है। कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उनके लेटर पैड पर कार्ड कौन इशू करता था, उनको जवाब देना चाहिए कि उनका गुपकार गैंड के साथ क्या स्टैंड है, 370 पे उनका क्या स्टैंड है, 35 ए पर उनका क्या स्टैंड है, ये उनको बताना चाहिए। राहुल गांधी और उनको ये भी बताना चाहिए जो कठुआ में बच्ची का बलात्कार हुआ था, वो बलात्कारी का जो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था उन्होंने उसे भारत जोड़ो यात्रा में लिया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस स्पष्ट करे। एक आखिरी सवाल लेंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंच रही, क्या उससे पहले आप लोग अपनी कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक वेंटिलेटर मार्च है, सॉरी ट्रेडमिल वॉक मार्च है, वो ट्रेडमिल पर मार्च कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर यात्री कहीं पहुंचा है। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के अंदर से बड़ी खबर ये भी आ रही है, कुछ देर के बाद ये तमाम जो नेता हैं यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुँचेंगे, जहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है जो उनके सामने रखा जाएगा, जो बताया जाएगा कि किस तरह से BJP वहाँ पर इलेक्शन के लिए तैयार है, जो वहाँ मुद्दे हैं उनको कैसे निपटा जाए। गृह मंत्री अमित शाह से इस मीटिंग को लेकर के जम्मू कश्मीर के लीडर, पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग के यहाँ बैठकर अहम बैठक कर रहे हैं, जिससे गृह मंत्री के सामने तमाम खाका पेश किया जा सके। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।